हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंसूर अहमद में। आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर विद्युतीकरण। ये जो टॉपिक है 12th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये पॉलिटेक्निक क्लास के भी काम आता है और 12th क्लास के भी। आपको बता दूं कि हम जो स्थिर विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, इसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के। आपने अपनी लाइफ में बहुत नाम सुना होगा कि चार्ज होता क्या है। ये बोलते हो आप कि मोबाइल चार्ज कर लो, आप ऐसे करके बोलते हो कि इसमें चार्ज आ गया, बैटरी चार्ज कर ले, मोबाइल चार्ज कर ले, ये सब चीज़ें आती है। लेकिन एक्चुअल में जो चार्ज होता है वो होता क्या है? चार्ज से पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि क्या होता है। जब कोई चार्ज रेस्ट फॉर्म में होता है उस पर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? स्थिर विद्युतीकरण या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्ज एट अ रेस्ट फॉर्म। यानी कि जो चार्ज होता है जो रेस्ट फॉर्म में होता है उस पर जो हम स्टडी करते हैं उसी को ही स्थिर विद्युतीकरण या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं रेस्ट फॉर्म में? अगर इसको हम मूविंग कराएंगे, कराने के बाद क्या हो जाएगा, हमको करंट लग जाएगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स क्या हुआ, चार्ज रेस्ट फॉर्म में होगा, उस पर अध्ययन कर रहे हैं, उस पर स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आपने सुना ही है अपनी लाइफ में, चार्ज बोलते हो आप लोग, क्या कहते हो, मोबाइल चार्ज कर लो, बैटरी चार्ज कर दो। लेकिन ये चीजें हमारी लाइफ में आती कैसे हैं, कहाँ से आती है, क्यों आती है, कब आती है, उन चीजों का हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, कभी छोटे छोटे हुआ करते थे, हम भी देखते थे कि कुछ लड़के या लड़कियां कुछ भी, उनके बाल क्या होते थे, थोड़े सूखे हुआ करते थे, और वो क्या करते थे कि हमें इकट्ठा करके दिखाते थे कि आओ हम आपको एक खेल दिखाते हैं, देखो कैसे हम जादू करते हैं अपने बालों से। वो क्या करते थे, बालों में पैन को रगड़ा बहुत तेजी से, रगड़ने के कारण के फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, रगड़ा, रगड़ने के बाद कागज डाल देता है एक बेंच पर और या कहीं पर भी, और उसको जब रगड़ता है तो क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है किसकी तरफ, पैन की तरफ। तो हम सोचते हैं कि वो जादू है। और कुछ चीजें ऐसे होती है कि चार्ज कहाँ से आता है। आपने देखा होगा, आप गाड़ी में बैठे हो, कार में बैठे हो, तो आप आगे पीछे होते रहते हो, आपको पता होगा पीछे होते हो, तो क्या होता है जब आप कार से उतरते हो, उतरने के बाद आपको एकदम करंट लगता है। तो मींस क्या हुआ कि जो आप वहां फ्रिक्शन कर रहे हो, आगे पीछे चल रहे हो, उससे क्या हुआ, चार्ज क्रिएट हुआ। फिर एक चीज और देखते हो, आप कभी जो कुर्सी होती है घर में, कुर्सी होगी ये प्लास्टिक वाली, हम क्या करते हैं जब हम उसका यूज करते हैं तो, या ऐसा कर देते हैं कुछ लड़के, क्या होता था कि हम जब खेलते थे, क्या आपको एक जादू दिखाए, उस पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठने के बाद क्या करते हैं, हम कपड़ा लेते हैं या तो तौलिया लेते हैं, तौलिया मारते हैं पीछे, मारने के बाद दूसरे बच्चे से बोलते हैं कि आप क्या करिएगा, आप ऐसा करिएगा कि उसको टच करो, जो लड़का वहां पे बैठता है, जो वो बैठता है एकदम उसको टच ऐसे करके, टच जैसे लगता है और करंट का अनुभव होता है। तो वो कहां से आया, वो सब चीजें चार्ज है, जिससे हमने तौलिया जो था, टॉवल जो था, हमने कुर्सी पर मारा, उससे चार्ज क्रिएट हुआ, और हमने जो बालों में पैन रगड़ा उससे चार्ज क्रिएट हुआ। होने के बाद क्या होता है, कुर्सी पे हम क्या डाल देते हैं, कागज डाल देते हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ये चीजें हैं, ये चार्ज है। फिर हम क्या करते हैं कि चार्ज भी हमारा टू टाइप्स होता है। चार्ज है क्या, सबसे बड़ी बात ये हो गई, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम अपनी लाइफ में कैसे व्यवहारिक तौर पर बताया। अगर मैं वैसे बताऊं आपको कि चार्ज होता क्या है, कि हम मानते हैं कि चार्ज एक प्रकार की एनर्जी होती है। ये क्या करती है, जब दो किसी दो वस्तु में आ जाती है, किसी दो बॉडी में आ जाती है, तो क्या होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी की ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, दिस इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज टू टाइप से होता है आपका, मैं बता दूं टू टाइप क्या होता है, एक तो होता है प्लस, एक होता है माइनस। ये प्लस और माइनस कहां से आया ये भी हमें पता होना चाहिए। ए और बी, मान लें कि टू बॉडीज है हमारे पास, ए एंड बी, दो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसी पे ही हम स्टडी करते हैं,
ए और बी। हमने क्या किया, जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, उन्होंने क्या किया, एक तो ली उन्होंने कांच की छड़, ग्लास रोड लिया, एक कांच की छड़ लिया, फिर उन्होंने ले लिया एक कपड़ा आता था रेशमी कपड़ा बोलते हैं जिसको, उसको लिया। लेने के बाद क्या हुआ, रेशमी कपड़ा ये वाला लेने के बाद ग्लास रोड और रेशमी कपड़ा लिया, जब उनको यानी कि कांच की छड़ जब दोनों को रगड़ा, रगड़ने के बाद इस पर आया प्लस, इस पर आया माइनस, ये देखा, ऐसे दूर दूसरी छड़ ली उसको भी रगड़ा, उसको भी यहां प्लस और माइनस आ गया इनकी दोनों। तब उन्होंने देखा कि अगर प्लस माइनस को पास ला रहा हूं तो क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, अट्रैक्शन मींस आकर्षण बल लग रहा है, यहां प्लस माइनस साथ में है तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है यानी कि आकर्षण फोर्स। फिर प्लस प्लस को अगर हम लाते हैं तो रिपल्शन कर रहा है यानी कि प्रतिकर्षण कर रहा है, ये चीजें आई वहां पे। फिर उन्होंने इस पर एक रिसर्च किया कि अगर प्लस चार्ज है मेरे पास, द राउंडिंग एरिया ऑफ एनी चार्ज, यानी कि प्लस लो या माइनस लो, यानी कि चारों ओर का क्षेत्र था प्लस के, वो क्या था कि अगर मैंने इसको एक जगह रखा, यानी कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, किसकी बात करते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि एक जगह रखा हुआ है, तो ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था हमारा प्लस, ये कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था, यानी कि विद्युत क्षेत्र। मैं इसको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ज जो है टू टाइप्स होता है, प्लस एंड माइनस, माइनस माइनस एंड प्लस प्लस, प्लस एंड माइनस अगर साथ हुए तो ये लेगा अट्रैक्शन फोर्स मीन्स आकर्षण बल, माइनस माइनस रिपल्शन फोर्स मीन्स प्रतिकर्षण बल, प्लस प्लस तो ये भी क्या होगा अट्रैक्शन करेगा। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करनी है, कमेंट करनी है। नेक्स्ट क्लास में जो भी इसके टॉपिक होंगे, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा आप इसका क्वांटमकरण बोलते हैं, कूलम्स लॉ हो गया, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।